ताबो से हम लोग निकल गए हैं, काजा जा रहे हैं। करीब 48 किलोमीटर रहेगा और रास्ते कैसे रहते हैं आगे के वो देखने वाली बात है। मलिंग नाला से तो रास्ता पूरी तरह से बदल ही गया था, काफ़ी नैरो हो गया था। अब ताबो से आगे चल रहे हैं तो रास्ता और भी नैरो हो गया है। बराबर में स्पीति रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पे ना रोड के लेफ्ट में खाई है, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है रोड पर, तो बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि रोड बहुत खतरनाक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति रीजन में मौजूद हैं। ताबो से अभी हम लोग निकले हैं। पिछले अगर एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो 5 एपिसोड पहले से हम बना चुके हैं। शिमला से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, वो एपिसोड्स भी आप जरूर देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, शुरू से एक एपिसोड देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अभी ताबो से काजा के लिए निकल चुके हैं हम लोग। ये व्यू देखिए आप हिमालय पर्वत का, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ब्राउन कलर के ये पहाड़। आसमान में कुछ काले काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ गाड़ी साइड में रोकेंगे तब आपको कुछ व्यूज दिखाएंगे। जगह जगह शांति स्तूप बने हुए हैं, नीचे से भी एक रोड आ रहा है, शायद यहाँ के किसी गांव का होगा। चलिए गाड़ी रोकते हैं और आपको व्यूज दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रास्ता। वैसे जहाँ भी हम गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी के टायर्स वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं कि ओके हैं या नहीं। यहाँ सामने भैया सेब बेचने हैं। सेब का रेट है यहाँ पर 100 रुपये किलो। जो सेब की क्वालिटी है ना, इस क्वालिटी के सेब दिल्ली NCR में तो 150-200 रुपये किलो से कम में नहीं मिलने वाले हैं। व्यू देख रहे हो आप स्पीति रिवर का, कितना शानदार लग रहा है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ताबो से 9-9.5 किलोमीटर की दूरी पर एक डाइवर्जन पॉइंट आता है। लगभग अब हम उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से नादांग के लिए एक रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड वाला। लेफ्ट वाला ये रोड नादांग जा रहा है और राइट वाला काजा जा रहा है। हम काजा जा रहे हैं तो हम राइट हैंड पर आ गए हैं। यहाँ पर रोड कंडीशन देखिए आप, लगभग स्पीति नदी से जुड़कर ही रोड बना हुआ है। अगर स्पीति रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाए ना, पानी बढ़ जाए, तो मैं मान रहा हूँ कि रोड पर भी पानी पूरी तरह से आ जाएगा, यानी रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि रोड लगभग स्पीति रिवर से मिलकर चल रहा है। बहुत ज़्यादा हाइट पर रोड नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो एकदम रिवर के बिल्कुल किनारे किनारे रास्ता बना हुआ है। इसीलिए बोलते हैं स्पीति के रास्तों को बहुत खतरनाक रास्ते। और सामने एक ऊँचा सा स्लोप भी दिखाई दे रहा है, पहले या दूसरे गियर में ही यहाँ से गाड़ी निकलेगी। पोहो हम लोग पहुंचने वाले हैं। पोहो के बारे में मैं आपको बता दूं, एक पोहो रिकोंगपियो के बाद भी देखने के लिए मिला था, वो पोहो था POH, और अभी जिस पोहो में हम पहुंचने वाले हैं वो है POH। यहाँ पर आर्मी के कुछ ट्रक्स वगैरह नजर आ रहे हैं। BRO का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से तिब्बत की सीमा जुड़ी हुई है, तो BRO का यहाँ पर जगह जगह कैंप्स बने हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। रोड को मेंटेन भी BRO ही यहाँ पर करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ और साथ में कुछ ग्रीनरी भी देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोग पोहो में पहुँच चुके हैं। ये है पोहो। पोहो के व्यूज बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुछ एक दो गेस्ट हाउस और होम स्टे भी यहाँ बने हुए हैं। पोहो से करीब 4 या 4.5 किलोमीटर बाद एक बहुत अल्टीमेट और बहुत खूबसूरत जगह आती है। वो क्या है वो आपको अभी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आप डाइवर्जन देख रहे हैं ना, ये जगह जगह देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ स्तूप जैसे रास्ते में जगह जगह बनाए गए हैं, जिसको पूरा घूमते हुए गाड़ियाँ निकलती हैं। अब यहाँ के रास्ते बिल्कुल चेंज हो गए हैं, लग रहा है जैसे लद्दाख में घूम रहे हैं। ये रास्ते हैं स्पीति के हिमाचल प्रदेश के, लेकिन रोड की ब्यूटी देखिए आप। ये ब्राउन कलर के पहाड़ और दोनों साइड में ना अच्छा खासा स्पेस है, जैसे लद्दाख जब जाते हैं पेंगोंग लेक की तरफ जाते हैं तब भी कुछ ऐसे रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। वैसे अब हम स्पीति में देख पा रहे हैं, तो लाइक शेयर करिएगा ज़रूर इस वीडियो को, और यहाँ के फ़ोटोज़ के लिए इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आसमान में हल्के हल्के बादल फिर से आ गए हैं। सिचिलिंग आने वाला, 10 किलोमीटर की दूरी पर सिचिलिंग आ जाएगा।
दोनों तरफ खुला खुला स्पेस है, पहाड़ लगभग दूर दूर है और जो पहाड़ों की स्ट्रक्चर है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्नोफॉल यहाँ पर होता है। अच्छा, आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग महिंद्रा थार और फोर्स गोरखा में से कौन सी एडवेंचरस कार बेस्ट रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। देखिए, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पहाड़ की स्ट्रक्चर देखिए आप, किस तरह से नुकीले पहाड़ है। इस जगह को निडिल रॉक के नाम से जाना जाता है, निडिल रॉक फॉर्मेशन इस जगह का नाम है क्योंकि पहाड़ों की जो स्ट्रक्चर है ना वो निडिल की तरह है, इसलिए इसको निडिल रॉक बोला जाता है। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं। अभी वाला रोड देखो, रोड तो है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ से मिट्टी हटा दी गई है और रास्ता बना दिया गया है। नीचे भी ऐसी भुरभुरी मिट्टी है और ऊपर भी। बरसात के मौसम में जब बारिश होती है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, तब तो यहाँ रास्ते कभी भी बंद हो जाते हैं। और वहाँ एक वाटरफॉल आ रहा है नदी में, स्पीति रिवर में आके कनेक्ट हो रहा है। स्नो की मैं बात कर रहा था, अब ये पहाड़ देखिए, पहाड़ पर जिस तरह का स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, उसको देखकर लगता है कि भारी बर्फबारी होती है और वो बर्फ पिघल पिघल कर नीचे आती है, तो उसकी वजह से पहाड़ों की शेप भी बदल चुकी है। सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है मुझे, सस्पेंशन ब्रिज है, इसको माने ओल्ड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये पैदल रास्ता है, यहाँ से माने गोमगा गाँव तक भी पैदल ट्रैक है और सिलुक गांव के लिए भी 3 किलोमीटर का यहाँ से पैदल ट्रैक है। लेकिन अब एक कंक्रीट ब्रिज बना दिया गया है जिसपे से गाड़ियाँ भी निकल सकती हैं, यानी माने गोमगा गांव तक मोटरेबल रोड बन चुका है, वो पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा। तो 29 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से काजा, और रास्ते अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रात में तो यहाँ निकल ही नहीं सकते, लेकिन दिन में भी हम लोग चल रहे हैं ना, तो कोई भरोसा नहीं कि पहाड़ कहाँ से कब टूट जाए। यहाँ लेफ्ट में स्पीति रिवर पूरे उफान पर है, पहाड़ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह कदर बिखरने के लिए तैयार है रोड पर, ऐसी कंडीशन है। और काले काले बादल छा गए हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। जगह जगह बीआरओ ने अपने बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि पत्थर गिरने का खतरा है, तो आराम से संभल कर चलिए। यहाँ हम देख रहे हैं ना, कुछ जगह पत्थर गिर भी रहे थे, अब बहुत केयरफुली हमें निकलना पड़ रहा है। मेरी नज़र पहाड़ों पर है और मोंटी बाइक की स्टेयरिंग पर। एक तो मौसम ख़राब हो गया, हल्की हल्की बूंद पड़ने लगी है ना, तो ऐसे में ये पहाड़ बहुत ख़तरनाक है। तो वहाँ गिरा पत्थर, यहाँ तो आंधी जैसे भी आ गया है, काफी तेज हवा चल रही है, पेड़ ना है ना इसलिए ना हो रही कितनी तेज है, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर, जा रही है बहुत तेज। मतलब रोड पर जितनी भी डस्ट है, रोड पर जो मिट्टी है ना, ऐसे बहुत तेज उड़ रही है। तो जिस पुल की मैं बात कर रहा था, वो पुल अभी आ चुका है। इस पुल के थ्रू हम माने गोमगा गांव तक जा सकते हैं, मोटरेबल रोड बन चुका है। निडिल रॉक से करीब यहां की दूरी 6 किलोमीटर के आसपास है और इस पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर माने गोमगा गांव है। कहा जाए 28 किलोमीटर सीधा माने जाएगा 6 किलोमीटर इस पुल के थ्रू। अब इस पुल पे आप देख ही रहे होंगे फ्लैग कितना तेज हिल रहा है हवा से। और यहाँ रोड पर ना सिर्फ हमारी ही गाड़ी नज़र आ रही है इस वक्त। एक तो हवा बहुत तेज चल रही है, ऊपर से हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, तो ऐसे रास्तों पर डेंजर बढ़ जाता है। बारिश ना है, अगर दोनों चीज़ साथ में हो जाती तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन हवा भी तो बहुत तेज है ना, इतने बड़े पत्थर को तो एकदम हिला देगी वो। बारिश होती तो अग्नि में गिर जाता, जगह बनाता रहता, हवा धक्का देती रहती। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रक आ गया। चलो 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 चलो, देख रहे हो स्पीति नदी कितनी अच्छी लग रही है, काले काले बादल आसमान में छा गए हैं,
यही है स्पीति, यही है स्पीति के खतरनाक रास्ते। स्पीति में ना बाइकर्स बहुत आते हैं, बाइकर्स का पूरा ग्रुप आता है स्पीति टूर के लिए। जैसे लद्दाख में बाइक टूर करते हैं, वैसे स्पीति में भी बाइक टूर किया जाता है। मई से लेके अक्टूबर तक बेस्ट मंथ रहता है स्पीति घूमने का। अक्टूबर के बाद तो हैवी स्नोफॉल हो जाने की वजह से ये रोड भी बंद हो जाता है। उसके बाद फिर अप्रैल मई से रोड स्टार्ट होता है और टूरिस्ट की यहाँ लाइन लग जाती है। अभी हम लोग सिजलिंग गांव में एंट्री कर रहे हैं। ये है सिजलिंग गांव, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पे क्या क्या है मैं देखकर बताता हूँ। छोटा सा गांव है, एक मोनेस्ट्री दिखाई दी है मुझे यहाँ पे अभी, और एक फूड पॉइंट भी बना हुआ है। एक ये गेट आ गया और सिचलिंग गांव का नाम है सिचलिंग। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है और गांव भी लगभग खाली है। और रुकने के लिए मुझे कोई होम स्टे, गेस्ट हाउस या होटल वगैरह यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, सिचलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक गेस्ट हाउस देखने के लिए मिला, एक फूड पॉइंट था, छोटा सा गांव है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर फिलहाल। सिचलिंग से बाहर नहीं हम लोग निकल गए। सिजलिंग गांव से अभी हम लोग आगे निकल गए हैं और सिजलिंग के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर सैमलिंग नाम का एक और गांव आता है। तो नाम कुछ लगभग मिलते जुलते हैं। यहां पर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं चल चुकी हैं। आगे से एक और डाइवर्जन आ गया है, देखते हैं लेफ्ट निकलना है राइट निकलना है, अब ये देखते हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड पर जरा थोड़ा स्लो करना, देखते हुए चलेंगे। कहाँ जा रहा है, सीधा 24 किलोमीटर धनकर जाएगा, 8 किलोमीटर अगर इस गेट से जाते हैं तो। अब क्या करना है, काजा सीधे निकले, यहाँ से गेट से जाएंगे तो धनकर पहुँचेंगे, 8 किलोमीटर पर है। नीचे से जा रहे हैं हम लोग, काजा पहुँचेंगे 24 किलोमीटर। लो सार 80 किलोमीटर काजा 24 किलोमीटर। फ्रेंड्स, बहुत तेज हवा चल रही है, काजा पहुंचने वाले हैं, 24 किलोमीटर रह गया है। गाड़ी जरा रोकी है थोड़ी देर के लिए, व्यूज़ देखने के लिए। यहाँ पे व्यू देखिए आप चारों तरफ, बस क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसा है कि देखते रह जाओगे, ऐसे व्यूज़ हैं। और ये जो हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी है, बहुत चिल्ड है, बहुत ज़्यादा। अब ये जैकेट भी ना कम महसूस हो रही है, लग रहा है कि इसके ऊपर भी एक गर्म भारी जैकेट पहन लूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। इस वक्त स्पीति में आंधी जैसी स्थिति बन गई है, घने घने बादल तो है ही, साथ में बहुत तेज़ हवा चल रही है और उस हवा की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी चलते हैं हम यहाँ से। इस वक्त वेदर ऐसा है कि कभी भी ना बारिश शुरू हो जाएगी, धुंध जैसा छा चुका है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, घने घने बादल हो चुके हैं। और रास्ते में हम देख रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे ना गांव देखने के लिए मिल रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी अब शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, करीब 22 किलोमीटर के आसपास रह गया है यहाँ से काजा, और अभी इतना बारिश थोड़ी तेज हो गई है, मतलब कहने का ये है कि काजा में हमारा स्वागत बारिश के साथ हो रहा है। तो ये क्या था, पत्थर आया होगा साइड से। देख रहे हो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पीछे एक डाइवर्जन था धनकर के लिए, और धनकर में एक मोनेस्ट्री है, एक लेक है, वो घूमने लायक जगह है। और यहाँ पर एक रास्ता और अगर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी शायद धनकर के लिए निकला जा सकता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर की तरफ एक रास्ता और बना हुआ था। और यहाँ से पिन वैली के लिए भी एक रास्ता डाइवर्ट होता है, वो पॉइंट भी मैं दिखाऊंगा। पिन वैली नेशनल पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। यार ऐसे मौसम में कौन कैंपिंग करेगा, इतनी एक्सट्रीम ठंड में कहाँ कैंपिंग की जाएगी। ये आ गया लोहे का पुल,
तो फ्रेंड्स लिंगती विलेज आ गया है, काजा करीब 17 किलोमीटर के आसपास रह गया यहाँ से। लिंगती से करीब 2 किलोमीटर के बाद एक और ब्रिज आएगा, वहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क के मेन गेट के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है, वो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। सामने पहाड़ों का कलर देख रहे हो आप, पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं। अब आप सोचिए अगर बारिश यहाँ तेज हुई तो ये पहाड़ कितना जल्दी जल्दी नीचे गिरेंगे। देखिए वो पुल नज़र आ गया है मुझे। इस ब्रिज को अटारगो ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अगर इस पुल के थ्रू हम जाएं तो यहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क के लिए जाया जा सकता है। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क का गेट। लेफ्ट से ये रास्ता जा रहा है, दो रास्ते है, काजा जाएगा सीधा और मुड़ जाएगा लेफ्ट में 34 किलोमीटर। और पिन वैली में हमारा स्वागत हो चुका है। सामने से आ रही है हिमाचल रोडवेज की बस, अब उसके लिए स्पेशल रास्ता देंगे हम। देखिए गाड़ी लगाएंगे साइड में। काजा कुंगरी मुड़ ये गई। अटारगो ब्रिज से करीब 3 किलोमीटर बाद लिडांग गांव आने वाला है। लिडांग गांव वैसे तो मेन रोड पर नहीं है, नेशनल हाईवे 505 पर नहीं है। सामने से जो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है राइट हैंड पर ऊपर की तरफ, वो लिडांग गांव के लिए जाता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वो गांव है और यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर काजा हम पहुँचेंगे, 12 या 13 किलोमीटर पर। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, धुंध आसमान में छाया हुआ है, सामने के व्यूज़ भी हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कितना ज़्यादा धुंध इस वक्त छा चुका है, यानी काजा में हमारा स्वागत बारिश से होने वाला है। एक बार फिर से वैसे ही पहाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं, पूरी तरह से मिट्टी के पहाड़ हैं, बहुत बहुत डेंजरस है। काजा हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। जगह जगह ना यहाँ ना स्तूप बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखना और यहाँ के ये खूबसूरत नज़ारे। शाम हो चुकी है, करीब 5:30 का समय है, दिन पूरा ढलने को है, आप देख भी रहे होंगे। तो भाई लोगों काजा में एंट्री होने वाली है, अब हमारी सामने बना हुआ है एक गेट, उस गेट से करेंगे काजा में गृह प्रवेश। तो फाइनली काजा में एंट्री हो गई हमारी। दूर से देख पा रहे हैं तो सिटी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है हमें, बाकी आगे चलते हैं देखते हैं क्योंकि यहाँ पर होटल वगैरह भी हमें लेना होगा। अच्छा कैंप साइट भी काफ़ी सारी हैं काजा में, और काजा से थोड़ा पहले काफ़ी सारे कैंप लोकेशन हैं। जब से काजा में एंट्री ली है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ गाड़ियाँ वगैरह लोग दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि काजा एक बहुत बड़ा सिटी है, स्पीति रीजन का इसको जिला मुख्यालय बोल सकते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह यहाँ बने हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ से देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जन है, एक रोड ऊपर जा रहा है, एक रोड नीचे जा रहा है। नीचे वाला रोड मेन सिटी काजा में जाएगा, काजा बस स्टैंड तक जाएगा, ऊपर वाला रोड मनाली जाएगा, जो काजा स्पीति की घूमने वाली जगह हैं, चाहे वो चीचम ब्रिज हो, चाहे लांगजा हो, हिक्किम हो, कॉमिक हो, उनके लिए भी हमें ऊपर से ही जाना पड़ेगा। फिलहाल हम जाएंगे नीचे काजा में, क्योंकि हमें नाइट स्टे काजा में आज करना है। मनाली 201 किलोमीटर, मनाली जाना है तो ऊपर से जाना पड़ेगा। नीचे चलो, नीचे चलो, ऊपर वाला रास्ता तो मनाली जाएगा, 201 किलोमीटर है यहाँ से, और लोसार 57 किलोमीटर, और ये नीचे रोड जा रहा है ये काजा जाएगा। तो गाइज काजा में एंट्री हो गई हमारी, बस स्टैंड भी दिखाई दे गया सामने। काजा में स्वागत तो बारिश के साथ हो रहा है। याल गल होमस्टे आज पहुंच गए हैं भाई लोगों, और अभी गाड़ी कहीं देखते हैं, खड़ी करते हैं और फिर होटल देखते हैं कहीं गाड़ी खड़ी करने के बाद। काफी कंजेस्टेड रोड है, जो भी घुमा रहा है ये काजा मेन मार्केट काजा। तो भाई लोग काजा तो पहुँच चुके हैं हम लोग, और
अभी गाड़ी खड़ी करेंगे साइड में कहीं पार्किंग में और फिर होटल वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ताबो से काजा का ये सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ के फोटोज देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको काजा घुमाएंगे, काजा में होटल्स कैसे हैं, मार्केट कैसा है, आसपास में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले एपिसोड्स में हम आपको दिखाएंगे। हिक्किम आपको लेकर चलेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस आपको दिखाएंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव आपको दिखाने वाले हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी एपिसोड देखिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।